दुनिया भर में कोरोना और ओमिक्रॉन ने दहशत मचा रखी है। इसी बीच इसराइल में फ्लोरोना का पहला केस मिला है। फ्लोरोना कोविड 19 और इन्फ्लुएंजा का डबल इन्फेक्शन है, ये जानकारी अरब न्यूज ने गुरुवार को दी है। इसी बीच इसराइल में शुक्रवार को कोरोना के खिलाफ चौथी बूस्टर डोज को अनुमति दी गई है। ये कमजोर इम्यूनिटी वाला आबादी को लगाई जाएगी। 4 महीने पहले लगी थी तीसरी डोज। इजरायली मीडिया के मुताबिक यहां 4 महीने पहले कोरोना की वैक्सीन की तीसरी बूस्टर डोज दी गई थी। हालांकि अब जब ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं तो यहां की सरकार ने कमजोर इम्यूनिटी वाली आबादी को चौथी बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इजरायल में एक दिन में 5,000 केस मिले हैं। इजरायल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यहां गुरुवार को कोरोना वायरस के 5,000 केस सामने आए हैं। ऐसे में शुक्रवार को इजरायली सरकार ने वृद्ध मरीजों और कमजोर इम्यूनिटी वाली आबादी को वैक्सीन की एक और डोज की अनुमति दी है। मंत्रालय के मुताबिक इससे मरीजों में संक्रमण की दर और जान जाने का जोखिम कम होगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।